गुजराल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जो है बहुत ही हेल्दी। हाँ जी, इस पास्ता की रेसिपी में बिल्कुल भी मैदा नहीं है, बटर नहीं है, क्रीम नहीं है और चीज नहीं है, और तो भी ये इतना क्रीमी और इतना टेस्टी है। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं ये हेल्दी क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम 6 कप पानी उबाल लेंगे और इसमें करीब एक बड़ा चम्मच सॉल्ट डाल देंगे। जब पानी हमारा उबलने लगे तब हम इसमें डालेंगे करीब 2 कप पास्ता। मैंने यहाँ पे यूज किया है होल व्हीट पेने पास्ता। स्पून से हम पास्ता को बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये पैन से चिपके ना। एक बात का हमने ध्यान रखना है कि पानी कंटिन्यूस तेज बॉइल होते रहे जब हम पास्ता को कुक कर रहे हैं। पास्ता कुक हो गया है नहीं, इसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है आप स्पून से उसको काट कर देखिए। अगर वो आसानी से कट रहा है तो इट मींस आपका पास्ता रेडी है। बॉइल्ड पास्ता को अब हम ट्रांसफर कर देंगे एक मेटल की छन्नी पे, और इसका जो ये बॉइल्ड पानी है इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको हम बचा के रखेंगे बाद में अपने सॉस में डालने के लिए। बॉइल किए हुए पास्ता को ठंडे पानी से धोना ज़रूरी है ताकि वो आपस में चिपके ना और जो उसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अब सॉस बनाने के लिए हम करीब 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल गरम करेंगे पैन में। ऑयल के थोड़ा गरम होते ही इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई गार्लिक, और गार्लिक को हम फ्राई कर लेंगे करीब 10 से 20 सेकंड के लिए। हमने उसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। और अब हम इसमें डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ सॉस बनाने के लिए, करीब 2 बड़े चम्मच आटा, यानी कि होल व्हीट फ्लार। आटा डालने के बाद में हमने उसे अच्छे से भूनना है, मिक्स करना है ताकि उसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपने ध्यान से देखना है। हम एक हाथ से दूध डालेंगे और दूसरे हाथ से कंटिन्यूसली हम सॉस को एक ही डायरेक्शन में हिलाते रहेंगे। सॉस को हमने तब तक कंटिन्यूसली हिलाते रहना है जब तक कि वो थिक होना शुरू ना हो जाए। ऐसा करने से सॉस में कभी भी लम्प्स नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं सॉस हमारी अच्छे से थिक होने लगी है और कोई भी लम्प्स इसमें नहीं दिख रहे हैं। थिक होने के बाद में हम सॉस में डालेंगे सॉल्ट और काली मिर्च स्वादानुसार और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉस में। सॉस हमारी अब रेडी हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 कप स्वीट कॉर्न, 1/2 कप कटी हुई रेड बेल पेपर एंड 1/2 कप चॉप्ड स्पिनेच। आप जो मर्जी चाहे वो सब्जियां अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। सब्जियां डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉस की थिकनेस थोड़ी कम करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे बॉईल किया हुआ पास्ता का पानी जो हमने पहले अलग रखा था। अब हम डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता, 1 टीस्पून ओरिगैनो एंड 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और इन सभी को अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे सॉस में और हल्की आंच में करीब 3 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि पास्ता जो है वो सॉस का फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले। एट लास्ट हम डालेंगे करीब 1 चम्मच ऑलिव्स और बारीक कटा हुआ पार्सले, आप चाहे तो बेजल भी डाल सकते हैं। और हमारा क्रीमी हेल्दी पास्ता बिना किसी बटर के, मैदा के, चीज और क्रीम के तैयार है और देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रीमी लग रहा है। आई होप ये व्हाइट सॉस पास्ता का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।